गुड मॉर्निंग क्लास। टुडे विल डिस्कस ऑन मर्चेंट फोर्स सर्किल डायग्राम। मर्चेंट फोर्स सर्किल डायग्राम। तो पिछले लेक्चर में जैसे हमने बात किया था कि एजम्पशंस के बारे में, मर्चेंट सर्किल डायग्राम के अंदर जो एजम्पशन ऑफ मर्चेंट सर्किल, उसमें हम लोग बात किए थे टूल इज परफेक्टली शार्प, देर इज नो साइड फ्लो ऑफ द चिप, है ना, शार्प होना चाहिए, कहीं साइड फ्लो नहीं होना चाहिए चिप का। सेकंड बात किए थे कि द प्राइमरी डिफॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन वेरी थिन जोन एडजेसेंट टू द शियर प्लेन। फिर कहा गया था कि द डेप्थ ऑफ कट इज कॉन्स्टेंट, द विड्थ ऑफ द टूल इज ग्रेटर देन द वर्क पीस, वर्क मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अ कंटिन्यूअस चिप इज प्रोड्यूस्ड विद नो बिल्टअप एज, स्ट्रेस ऑन द शियर प्लेन आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये सब एजम्पशंस थे। अब आगे हम लोग बात करेंगे कि मर्चेंट फोर्स सर्किल डायग्राम को ड्रॉ कैसे करते हैं। अच्छा, इसको ड्रॉ करने से पहले हम लोग ये बात करेंगे कि क्यों करते हैं मर्चेंट सर्किल डायग्राम, क्यों ड्रॉ करते हैं, क्या मर्चेंट ने ऐसा क्या किया डायग्राम में, और क्यों ड्रॉ करने के पीछे क्या रीजन है, इस मर्चेंट सर्किल डायग्राम को ड्रॉ करने के पीछे क्या कारण है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम दिखा देते हैं आपको मर्चेंट फोर्स सर्किल डायग्राम। ये है बेसिकली मर्चेंट सर्किल डायग्राम या मर्चेंट फोर्स सर्किल डायग्राम। ये एक सर्किल के अंदर डिफरेंट फोर्सेस को रिप्रेजेंट किया गया है, इसीलिए इसको बोला गया मर्चेंट फोर्स सर्किल डायग्राम, क्योंकि मर्चेंट ने इसको रिप्रेजेंट किया, इसलिए इसको मर्चेंट फोर्स सर्किल डायग्राम कहा गया। ये बेसिक इक्विलिब्रियम ऑफ चिप का एक डायग्राम है, इसकी मदद से डायग्राम ड्रॉ किया गया है। अब बात आती है कि भाई इसको ड्रॉ करने के पीछे क्या रीजन है, क्यों हम मर्चेंट फोर्स सर्किल डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो इसको जानने के लिए हमें बताना पड़ेगा कि सबसे पहले द फर्स्ट साइंटिफिक ट्रीटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम वाज प्रपोज्ड बाय अर्नेस्ट एंड मर्चेंट। इन्होंने क्या प्रपोज किया, एक साइंटिफिक ट्रीटमेंट क्या बताया इन्होंने, प्रपोज ये किया कि आइडलाइज्ड केस ऑफ सिंगल सीयर प्लेन के बारे में बात किया। इन्होंने क्या कंसिडर किया, दे कंसिडर द आइडलाइज्ड केस ऑफ सिंगल सीयर प्लेन। ये क्या आइडलाइज्ड केस ऑफ सिंगल सीयर प्लेन, क्या ये मॉडल क्या बताता है, ये मॉडल प्रिडिक्ट करता है कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ पावर कंजम्पशन कितनी होगी। इसका मतलब कि पावर कंजम्पशन की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, मतलब मशीनिंग के दौरान जो पावर कंजम्पशन अगर कर रहा है, जो पावर कंज्यूम हो रहा है मशीनिंग के दौरान, उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू प्रिडिक्ट करने के लिए मर्चेंट ने एक डायग्राम ड्रॉ किया। इस डायग्राम की मदद से डिफरेंट फोर्सेस में एक इंटर रिलेशनशिप फाइंड आउट किया गया, और साथ ये चीज दिखाने का प्रयास किया गया कि किस शियर एंगल के वैल्यू पे, शियर एंगल के किस वैल्यू पे पावर कंजम्पशन मिनिमम होगा। तो जो फाइनल इक्वेशन हमारा बन गया था वो आएगा 2phi प्लस लैम्डा माइनस अल्फा इक्वल टू पाई बाई टू, जहां पे फाई है आपका शियर एंगल। तो फाई शियर एंगल रिप्रेजेंट किया जा रहा है यहाँ पे, शियर प्लेन जो है ये प्लेन आपका शियर प्लेन है, मशीन सरफेस से एक्सटेंशन से जो एंगल बना रहा है ये फाई, यही आपका शियर एंगल है। तो किस शियर एंगल पर मिनिमम पावर कंजम्पशन होगा, उस पावर कंजम्पशन की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करना, यही मर्चेंट का एम था। और उन्होंने जो फाइनल रिजल्ट निकाला था, उस रिजल्ट में जो इक्वेशन था वो था 2phi प्लस लैम्डा माइनस अल्फा इक्वल टू पाई बाई टू। तो यहाँ पे फाई क्या कर रहा था, फाई आपका शियर एंगल है, अल्फा आपका रेंक एंगल है, और लैम्डा आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। तो ये चीजें थी। अब ये सवाल आता है क्या मर्चेंट ने ही ऐसा एक सोल्यूशन दिया, नहीं, मर्चेंट के अलावा भी आगे आपके ली शैपर और स्टेबलर ने भी फाई की वैल्यू फाइंड आउट की, जिस वैल्यूज पर पावर कंजम्पशन की अप्रोक्सीमेट वैल्यू वो लोग भी फाइंड आउट कर रहे थे, लेकिन मर्चेंट का जो ये सोल्यूशन है ये अपने आप में सफिशियंट है ये प्रिडिक्ट करने के लिए कि पावर कंजम्पशन की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगी,
और साथ ही साथ ये आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट है, यही आपके सिलेबस में है, बाकी स्टेबलर और रिशफल का पार्ट नहीं है। और ये अपने आप में प्रिडिक्ट करने में एक्यूरेट है और ये करेक्ट डाटा दे रहा है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट कर रहा है पावर कंजम्पशन का। तो इसको हम कहेंगे मर्चेंट का फर्स्ट सॉल्यूशन। मर्चेंट ने एक और सॉल्यूशन दिया जिसको बोलेंगे मर्चेंट फोर सर्किट डायग्राम का सेकंड सॉल्यूशन। वो सेकंड सॉल्यूशन क्या है, 2.5 प्लस लैम्डा माइनस अल्फा इक्वल टू सीएम, जहां पे सीएम मशीनिंग कांस्टेंट है। तो अभी तो हमको फर्स्ट सॉल्यूशन के ऊपर केवल बात करना है, तो इसलिए मर्चेंट फोर सर्किट डायग्राम का फर्स्ट सॉल्यूशन के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो इसको ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम बेसिक चीजों को जाने, उसके बाद इस इक्विलिब्रियम ऑफ चिप वाले फिगर से हम ये आपका मर्चेंट फोर्स सर्किट डायग्राम ड्रॉ करेंगे, उसके बाद फिर डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस में इंटर रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हम पावर कंजम्पशन निकालेंगे और फिर ये देखेंगे कि मिनिमम पावर कंजम्पशन किस शियर एंगल पर होता है वो फाइंड आउट करेंगे, और उसके बाद फाइनल रिजल्ट हमको मिलेगा 2.5 प्लस लैम्डा माइनस अल्फा इसको बताए, इतना काम को करना है, ठीक है। अब चलते हैं, ये जो लिखा गया है देखिए, फोर्सेस इन चिप फॉर्मेशन, चिप फॉर्मेशन के दौरान जो फोर्सेस आकर कर रही है वो इसमें बनाया गया है, ठीक है। ये इक्विलिब्रियम ऑफ चिप शो किया गया। अब इसको इक्विलिब्रियम ऑफ चिप के ऊपर बात करने से पहले हमको पहले बेसिक जनरल आइडिया मैकेनिज्म ऑफ चिप फॉर्मेशन और इसके बारे में देना पड़ेगा कि मर्चेंट ने किन चीजों को कंसीडर करते हुए ये आगे बढ़े। तो इस पर सबसे पहले कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है, उसको हमने जिसका हमने नोट डाउन कर दिया है, उसको हम दिखाते हुए चलेंगे। देखिए, द फर्स्ट साइंटिफिक ट्रीटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम वॉज प्रपोज्ड बाय अर्नेस्ट एंड मर्चेंट। इन्होंने प्रपोज किया, किसने, अर्नेस्ट एंड मर्चेंट ने प्रपोज किया, ठीक है। क्या प्रपोज किया, दे कंसिडर द आइडलाइज केस ऑफ सिंगल सीयर प्लेन। इन्होंने सिंगल सीयर प्लेन को कंसिडर किया, आइडलाइज आइडियल केस ऑफ सिंगल सीयर प्लेन को कंसिडर किया। क्या कहा, इट इज यूज टू प्रिडिक्ट द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ पावर कंजम्पशन। पावर कंजम्पशन की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू को प्रिडिक्ट करने के लिए मर्चेंट ने ये सर्किल को ड्रॉ किया, ठीक है। क्या किया इन्होंने, इट इज यूज टू प्रिडिक्ट द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ पावर कंजम्पशन। पावर कंजम्पशन की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये काम किया गया, ठीक। अब बात करते हैं आगे, इसमें आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए, इफ द चिप अबव द शियर प्लेन इज कंसिडर्ड एज अ रिजिड बॉडी। अब इसमें ध्यान देते हैं, ये क्या है, ये देखिए, ये आपका वर्कपीस है, वर्कपीस है, ये टूल है, ये क्या आपका टूल है, ये टूल है, ये वर्कपीस है, टूल और वर्कपीस के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी वी है। टूल इधर मूव करता है, वर्कपीस इधर मूव कर रहा है, चिप आपका इधर फ्लो कर रहा है, ये फेस आपका रेक फेस है, कटिंग वेलोसिटी के परपेंडिकुलर और रेक सरफेस के बीच का एंगल जो होगा अल्फा होगा, यही रेक एंगल है। ये इक्विलिब्रियम ऑफ चिप बनाने का प्रयास किया गया है। ये आपका सरफेस मशीन सरफेस है, इसकी मशीनिंग हो चुकी है, मशीन सरफेस के एक्सटेंशन, और ये शियर प्लेन है, प्राइमरी शियर जोन जो है उसको प्लेन कंसीडर किया गया है, ये शियर प्लेन है। अब जो शियर प्लेन है ये मशीन सरफेस के एक्सटेंशन से जो एंगल बना रहा है, मशीन सरफेस के एक्सटेंशन से जो एंगल बना रहा है, इसी को हम शियर एंगल कहते थे, तो ये फाई है, ठीक है। इतनी चीजें हैं, ये तो क्लियर। अब इसमें आगे बात करते हैं, ये एज्यूम करते हैं इफ द चिप अबव द शियर प्लेन इज कंसिडर्ड एज अ रिजिड बॉडी। चिप जो है ये शियर प्लेन के ऊपर, इसको हम रिजिड कंसिडर करें, अगर अगर इसको रिजिड बॉडी कंसिडर करें, इफ द चिप अबव द शियर प्लेन इज कंसिडर्ड एज अ रिजिड बॉडी मूविंग विद अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। अगर ये कंसिडर करें कि ये रिजिड बॉडी है और ये कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही, तब
द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट, इस चिप के ऊपर लगने वाले सभी फोर्सेस का रिजल्टेंट, द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट फ्रॉम द रेक सरफेस ऑफ द टूल। ये सरफेस आपका रेक सरफेस है, रेक सरफेस ऑफ द टूल, रेक सरफेस से पर जो रिजल्टेंट फोर्स आर लग रहा है, ये रिजल्टेंट ऑफ द रेक सरफेस ऑफ द टूल आर एंड द वर्क सरफेस अलोंग द शियर प्लेन, वर्क सरफेस अलोंग द शियर प्लेन आर डैश मस्ट बी जीरो। ये क्यों कहा गया मस्ट बी जीरो, क्या इसके पीछे कारण है? फिर आते हैं पिछले पॉइंट पे जो हमने बात किया, क्या कहा कि इफ द चिप अबव द शियर प्लेन इज कंसिडर्ड एज अ रिजिड बॉडी, मतलब ये चिप अगर ये मान रहे हैं हम कि ये रिजिड बॉडी है और मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, और ये चिप कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, और अगर ये चिप कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो इसका मतलब एक्सीलरेशन इस पर जीरो होगा। अगर कोई भी बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है इसका मतलब एक्सीलरेशन जीरो होगा। अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, अगर वेलोसिटी मान लिया कांस्टेंट है तो इसका मतलब एक्सीलरेशन उस पर जीरो होगा। और हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं इफ द चिप अबव द शियर प्लेन, शियर प्लेन के ऊपर जो चिप है इज कंसिडर्ड एज अ रिजिड बॉडी मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, हम अज्यूम कर रहे हैं कि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है इसका मतलब एक्सीलरेशन जीरो है, और अगर एक्सीलरेशन जीरो है तो रिजल्टेंट फोर्स फोर्स इक्वल टू एम इंटू ए, एफ इक्वल टू एम में होता है एम इंटू ए, एक्सीलरेशन आपका जीरो है तो इसका मतलब एम इंटू जीरो बराबर जीरो, इसका मतलब रिजल्टेंट फोर्स इस चिप पर लगने वाला जीरो होगा। तो रिजल्टेंट फोर्स मतलब कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, मान लिया इस टूल की वजह से इस चिप पर कई फोर्सेस लग रहे हों, डिफरेंट फोर्सेस, उनका एक रिजल्टेंट आर मान लेते हैं, ठीक। इसी चिप पर इस वर्कपीस के कारण डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस लग रहे होंगे, उनको मान लेते हैं उनका रिजल्टेंट आर डैश है, तो आर डैश और आर दोनों इक्वल होना चाहिए, दोनों अपोजिट होना चाहिए और दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम होना चाहिए। इसीलिए कहा गया कि इफ द चिप अबव द शियर प्लेन इज कंसिडर्ड एज अ रिजिड बॉडी मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी कॉमा द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट फ्रॉम द रेक सरफेस एंड द टूल, रेक सरफेस ऑफ द टूल आर एंड द वर्क सरफेस अलोंग द शियर प्लेन आर डैस मस्ट बी जीरो, मस्ट बी जीरो, इस लाइन का मतलब समझ रहे हैं मस्ट बी जीरो, मतलब उसको जीरो होना ही पड़ेगा। कब? जब हम ये कहेंगे कि चिप कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तब। अगर हम ये अज्यूम कर रहे हैं, अगर ये मान रहे हैं कि चिप कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इसका मतलब इस चिप के ऊपर सभी फोर्सेस का अलजेब्रिक समेशन जीरो होना पड़ेगा, तो इसलिए कहा गया मस्ट बी जीरो, ठीक है। तो इसमें दिखा देते हैं जो हमने लिखा भी है, इफ द चिप अबव द शियर प्लेन इज कंसिडर्ड एज अ रिजिड बॉडी मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट फ्रॉम द रेक सरफेस of the tool R and from the work surface along the shear plane R dash must be zero, मतलब इस टूल के कारण R जो लग रहा है ये, और इस वर्कपीस के कारण R dash जो लग रहा है ये, R dash और R का रिजल्टेंट जीरो होना चाहिए। तो ये कब जीरो होगा? जब दोनों फोर्स इक्वल होंगे, दोनों फोर्स अपोजिट होंगे
और दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम होगा, तब हम कह सकते हैं कि R डैश और R का रिजल्टेंट जीरो है। अब रिजल्टेंट मतलब इन दोनों को कंबाइंड आप करेंगे, इन दोनों का इफेक्ट आप देखेंगे, इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे और वो जीरो होना चाहिए। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कब जीरो होगा, दो फोर्सेस का रिजल्टेंट कब जीरो होगा, जब वो दोनों फोर्स इक्वल हों, अपोजिट हों और उनका लाइन ऑफ एक्शन सेम हो। क्योंकि अगर लाइन ऑफ एक्शन आपने बदला तो वो क्या होगा, वो कपल फॉर्म कर लेगा, ठीक है, तो भी वो इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं होगी। और हमने क्या रखना है, हमें इक्विलिब्रियम ऑफ चिप रखना है, ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें माना है ये चिप कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ये पॉइंट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है इस प्रूफ के लिए, क्योंकि इसी से हम लोग आगे बढ़ेंगे। बेसिक जो है इस प्रूफ का यहीं से होके गुजरेगा कि R और R डैश मस्ट बी इक्वल, अपोजिट एंड इट्स लाइन ऑफ एक्शन आर सेम। इसके लाइन ऑफ एक्शन सेम होने पड़ेंगे, इक्वल होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए, ठीक है, ओके। तो अब हम लोग इसके आगे फिर बात करते हैं, फिर आगे बात क्या करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, इस R को दो कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे, अलोंग द रेक सरफेस और नॉर्मल टू द रेक सरफेस। अलोंग द रेक सरफेस मतलब दो कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे, तो अलोंग द रेक सरफेस ये F में ब्रेक हो जाएगा मतलब फ्रिक्शनल फोर्स, और नॉर्मल टू द रेक सरफेस ये N में ब्रेक हो जाएगा जो कहलाएगा आपका नॉर्मल फोर्स, मतलब फ्रिक्शनल और नॉर्मल फोर्स, ठीक है। तो इसमें हमने मेंशन भी किया है कि देखिए कि एक्टिंग ऑन द लिखे हैं हाँ ठीक है, एक्टिंग ऑन द रेक सरफेस ऑफ द टूल आर एंड द वर्क हाँ ठीक है मस्ट बी जीरो, ठीक है। इसके आगे द टोटल फोर्स आर कैन बी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स एन एंड F, normal and along to the rake surface respectively. Since F must be the frictional force due to the existence of the normal force load N, we have according to the usual convention F by N is equal to mu. F is equal to mu N होता है, frictional force और normal force के बीच में एक relationship होता है, तो क्या कहलाता है, F is equal to mu N. जहां पे F फ्रिक्शनल फोर्स है और N आपका नॉर्मल फोर्स है। अच्छा, ये एंगल जो है, इस एंगल को हम लोग लैम्डा कहेंगे, ये लैम्डा क्या होगा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन होगा, ये एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन होगा, ठीक है। नॉर्मल फोर्स और रिजल्टिंग फोर्स के बीच का एंगल आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, तो ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन हो गया, ठीक है। उसी तरीके से हम आगे क्या करेंगे, अभी आगे ये करेंगे कि ये जो R डैश है इसको दो कंपोनेंट कर देंगे, अलोंग द शियर प्लेन जिसको FS कहेंगे, नॉर्मल टू द शियर प्लेन जिसको FN कहेंगे, ठीक है। अब FN और FS एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, F और N एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इस वाले इक्वेशन में हमने कहा कि F और N, F आपका फ्रिक्शनल फोर्स है और N नॉर्मल फोर्स है, और यूजुअल कन्वेंशन में F बाई N इक्वल टू म्यू होता है, या F इक्वल टू म्यू N होता है, जहां पे म्यू क्या कहलाता है, एवरेज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द चिप एंड द टूल, ठीक है, ये चीज है। अब आगे बात करेंगे तो फिर द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आप म्यू को क्या कर सकते हैं, म्यू बराबर टैन लैम्डा कर सकते हैं, जैसे इस इक्वेशन में देखिए, इसमें देखिए, इसी में देखते हैं हम लोग, जैसे एफ बाई एन इक्वल टू म्यू है, और इसको कह सकते हैं हम टैन लैम्डा कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं हम लोग, टैन लैम्डा कह सकते हैं। क्यों टैन लैम्डा कह सकते हैं, क्योंकि एफ और एन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, एफ और एन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये देख रहे हैं, ये परपेंडिकुलर है, ये एंगल है, तो टेन लैम्डा क्या होगा,
परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो एफ बाई एन क्या हो जाएगा, टेन लैम्डा हो जाएगा। ठीक है, तो एफ बाई एन को हम म्यू से रिप्रेजेंट कर रहे थे, यहाँ पे आप देख ही रहे हैं, तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा, टेन लैम्डा हो जाएगा। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कैन बी एक्सप्रेस एज आल्सो, कैसे, म्यू इज इक्वल टू टेन लैम्डा, क्यों, क्योंकि टेन लैम्डा किसके बराबर है, एफ बाई एन के बराबर है टेन लैम्डा, और म्यू बाई एफ बाई एन के बराबर है, इसलिए ये दोनों बराबर हो जाएगा, इसलिए इन दोनों को बराबर कर सकते हैं। इससे म्यू भी एफ बाई एन के बराबर है और टेन लैम्डा भी ट्राइंगल से देखेंगे एफ बाई एन के बराबर है, तो इसलिए ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है, ये सिंपल चीज है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जहां पे लैम्डा क्या है, आपका फ्रिक्शन एंगल है या एंगल ऑफ फ्रिक्शन है। ठीक, ये चीज हो गया। अब इसमें और आगे हम लोग बात करेंगे, एक सेकंड, ठीक है, इसमें आगे क्या बात कर रहे हैं, इसमें बात कर रहे हैं कि सिमिलरली आर डैश कैन ऑल्सो बी रिजॉल्व इनटू, आर डैश जो है कैन ऑल्सो बी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स अलोंग द डायरेक्शन नॉर्मल, अलोंग द डायरेक्शन नॉर्मल एंड पैरेलल टू द शियर प्लेन, शियर प्लेन के पैरेलल और उसके नॉर्मली आर डैश को भी आप ब्रेक कर सकते हैं। एक को कहेंगे एफ एन मतलब नॉर्मल टू द शियर प्लेन, और एक को कहेंगे एफ एस इसका मतलब अलोंग द शियर प्लेन। ठीक है, अब ये चीज हमने लैंग्वेज में फिर लिखी है आगे, ठीक है, कि सिमिलरली आर डैश कैन ऑल्सो बी रिजॉल्व टू टू कंपोनेंट्स अलोंग द शियर प्लेन, अलोंग डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल एंड पैरेलल टू द शियर प्लेन, लेट दीज कंपोनेंट्स बी एफ एन एंड एफ एस। ठीक है, ये हो गया। फिर बात करेंगे कि भाई ये चीज इतना, अब ये हम लोग देखेंगे कि रेक एंगल और आपका जो शियर एंगल है फाई, वो मशीनिंग के दौरान देखेंगे कि बदलता रहता है। ठीक है, उसको आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। नाउ सिंस द इंक्लिनेशन ऑफ द शियर प्लेन एंड द रेक सरफेस वेरी, इसका इंक्लिनेशन जो है, इंक्लिनेशन इसका जो शियर प्लेन है इसका इंक्लिनेशन और रेक सरफेस का ये वेरी करता है। नाउ सिंस द इंक्लिनेशन ऑफ द शियर प्लेन एंड रेक सरफेस वेरी, दे डू नॉट प्रोवाइड सम स्टैंडर्ड इन वेरियंट डायरेक्शन, फॉर दिस पर्पज द डायरेक्शन अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द कटिंग मोशन आर क्वाइट सुटेबल। तो हम क्या करते हैं, अब ये तो फिक्स है नहीं, ये आपका शेयर प्लेन वेरी कर रहा है, कितने पे शेयर प्लेन है ये हम जान ही नहीं पाएंगे, फाई की वैल्यू हम मशीनिंग के दौरान फाइंड आउट ही नहीं कर सकते, मशीनिंग के दौरान ये फाई की क्या वैल्यू है ये अंदर कैसे जान पाएंगे।